स्वागत है आपके एग्जाम रूम में। यहाँ बीटेक वालों के लिए एक जॉब है और मैं आपको बता देता हूँ बीटेक बीएससी वालों के लिए जॉब है। बेल की है ये, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की, और हैदराबाद की ये जॉब है, प्रोजेक्ट इंजीनियर की जॉब है। 49 यहाँ पे टोटल वैकेंसीज है। ये बात करते हैं इस पूरे रिक्रूटमेंट के बारे में, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की आपकी जॉब है, हैदराबाद की जॉब है, 49 वैकेंसीज है। इसको आवेदन आप लोग कर सकते हैं, 4 अगस्त इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। अगर आप लोग उसे भरना चाहते हैं भर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये प्रोजेक्ट इंजीनियर की जॉब है, प्रोजेक्ट इंजीनियर प्रोजेक्ट ऑफिसर की जॉब है, हैदराबाद तेलंगाना की। बीटेक या आपने बीएससी करी हो इंजीनियरिंग में तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे क्वालिफिकेशन एमबीए चाहिए, एमसीडब्ल्यू या एमएचआरएम और एमए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हैदराबाद की बेल की ये जॉब है, बेल हैदराबाद प्रोजेक्ट इंजीनियर की ये जॉब है, यहाँ पे आप लोग आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे आपका रखा जाएगा, आप जितनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे परसेंटेज मार्क्स का आपकी जो होती है उसके बेसिस पे आपका यहाँ पे होगा। कम से कम देखिए आपकी जो परसेंटेज होनी चाहिए 75% होनी चाहिए, ठीक है, वेटेज एरिया 75% रखा गया है यहाँ पे, तो अच्छी परसेंटेज मांगी गई है। इसके अलावा आपको अगर एक्सपीरियंस है तो उसका आपको 10 मार्क्स उसके मिलेंगे, तो इस हिसाब से रखा गया है। 2.5 मार्क्स आपका एलोकेट किए जाएंगे मिनिमम जो एक्सपीरियंस आपका रहेगा। और यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके से मार्क्स रखे गए हैं, आपके जितना भी एक्सपीरियंस होगा, जितने साल का एक्सपीरियंस होगा उस बेसिस से। तो यहाँ पे इंटरव्यू के आपके 15 मार्क्स का रहेगा, टोटल आप 100 मार्क्स के आपके क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स मैं बता देता हूँ, 21 तारीख से आप लोग आवेदन कर सकते हैं, 4 अगस्त तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जनरल ओबीसी के लिए 500 रुपीज़ फीस है, SC ST PWD के लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं है। तो वो ये बच्चे जरूर भरिएगा, SC ST PWD वाले, उनके लिए फ्री का फॉर्म है। जनरल OBC वाले मैं यही कहूँगा कि आप लोग अगर आप लोग विश्वास है, आप लोग क्रैक कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को, तो भरिए, वरना फालतू में मत भरिए, क्योंकि 500 रुपीज़ फ्री के नहीं आते। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इससे रिलेटेड सारे मैंने इंपॉर्टेंट लिंक दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन में। एलिजिबिलिटी मैं एक बार बता देता हूँ आपको, देखिए यहाँ पे अगर आप लोग प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ EC वालों के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन वालों से बीटेक बीएससी या बीई करी हो, 28 साल तक एज लिमिट वाले कर सकते हैं, 36 वैकेंसीज है इलेक्ट्रॉनिक्स के। मैकेनिकल वालों के केवल 8 है, बीटेक बीएससी आपने मैकेनिकल में करी हो या बीई करी हो, 28 साल मैक्सिमम एज लिमिट। कंप्यूटर साइंस वालों के लिए 4 हैं, बीएससी कंप्यूटर साइंस या फिर आपने बीटेक या बीई करा हो, 28 साल तक एज लिमिट रखी गई है। प्रोजेक्ट ऑफिसर 1 वैकेंसी है केवल ह्यूमन रिसोर्स की, तो जनरल ओबीसी वाले से मत भरना, केवल 1 वैकेंसीज़ है। और यहाँ पे एमबीए एमसीडब्ल्यू एमएचआरएम एमए और ह्यूमन रिसोर्स वाले 28 साल का एज में। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं वो बच्चे जो भर लें, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले देखिए आपको भरोसा, अगर आप कम वैकेंसी में कम्पीट कर सकते हो तो आप लोग जरूर भरेगा इस फॉर्म को, वरना मत भरिएगा। यहाँ पे SC ST वालों के लिए फ्री है तो उनको जरूर भरिएगा, ठीक है, SC ST वालों के लिए फ्री है ये फॉर्म, जो फिजिकली हैंडीकैप बच्चे होते हैं उनके लिए फ्री है। सारे इंपॉर्टेंट लिंक मैंने दे रखे हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आगे देख लेना, ठीक है। अप्लाई करना है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद लॉगिन करके आपको अपना फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। जो भी वो मांगते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा। धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए।